ऐसी कौन सी इमरजेंसी होगी? घर आने का इंतजार नहीं कर सकते? फवाद भाई ने कहा तुम, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना कि मैं फरवा को शॉपिंग के लिए लाई? सारा इतनी हसद अच्छी नहीं होती। नफीसा बहन और मारिया के दिल में जिस तरह से तुमने घर किया है ना, इसी तरह से शादी के दिनों में आगे बढ़ बढ़ के काम करना, ताकि पूरे खानदान को पता तो लगे कि नफीसा बहन के घर की असल मालकिन मेरी बेटी है। हाँ फवाद, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए घर पर आई हूँ। देखो फवाद, मैंने आज तक कभी तुम लोगों के घर के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं की, मुझे मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन आज बात कुछ और है। काफी अरसे से नोटिस कर रही हूँ, जब से पाकिस्तान आई तुम लोगों के घर का माहौल बहुत अजीब हुआ है, स्पेशली जब से फरवाई है। मैं तुमसे कभी इस टॉपिक पर बात ना करती, मगर सारा की परेशानी मुझे यहाँ खींच लाई। फवाद, सारा कभी भी मुझसे अपने दिल की कोई बात डिस्कस नहीं करती, मुमकिन है तुमसे भी छुपाती हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ वो अंदर ही अंदर बहुत अपसेट है। जब भी उससे कोई बात करो वो खोई खोई सी रहती, उल्टे सीधे जवाब देती, कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं उसकी ये परेशानी देखकर बहुत अपसेट हूँ। मुझे डर है कि अगर वो ज्यादा देर ऐसे माहौल में रही तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। क्या ये पॉसिबल है कि तुम उसके साथ अलग घर में रह सको? भजन की जिंदगी में शायद ही पॉसिबल ना हो। पता है फवाद, घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था आज। तुम प्लीज मेरी बात पर गौर जरूर करना। मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर रमाजा ना मानी तो? देखो, तुम्हें उन्हें मनाना होगा, क्योंकि फरवा और मारिया ने सारा के खिलाफ जो महाज रखा है ना, उससे तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तो प्लीज उनसे बात करो, मनाओ उन्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? नहीं अम्मा, अभी 5-10 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगी मैं। सऊद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं घर में, और सारी जिम्मेदारी घर की मुझ पर है, सब चीजें मैंने ही देखनी है। वही तो ना, और पता है फवाद और अम्मा जान तो मेरे मशवरे के बगैर हिलते तक नहीं है, कहते हैं जैसे तुम्हें ठीक लगता है ना तुम वैसे ही करो, और सऊद ने भी कह दिया है कि सारी तैयारियां आपने ही देखनी है। कहां अम्मा, सारा को तो इस घर में आप कोई पूछता ही नहीं है। हाँ वही तो, सब चीजें मैंने ही तो देखनी है, थोड़ा टाइम दे दो ना अम्मा, चक्कर लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी। अरे देखो, बातों में याद ही नहीं रहा, मुझे अभी डेकोरेशन वाले के पास भी जाना है और डिजाइनर से कपड़े भी फाइनलाइज करने। चलो ठीक है, मैं करती हूँ कॉल घर पहुंच के दोबारा, ठीक है अभी जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे मीना, सारा भाभी को देखा है? कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ वाकई देख के अफसोस ही होता है। अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपए तुम मुझे अभी दे दो, शर्त तो तुमने हार ही जानी है। बात सुनो, हालात बदलते देर नहीं लगती है, पहले फरवा भाभी के हालात कौन से अच्छे थे, इंशाल्लाह सारा भाभी के भी बदल जाएंगे। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? नहीं नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं। मत करो इस तरह की बातें, खुदा ना खास्ता अगर फरवा सुन ले तो क्या सोचेगी।
मैं नहीं चाहती कि वो हम में से किसी को भी लेके बदगुमान हो। जी भाभी। हेलो, कैसी हो फरवा? बिल्कुल ठीक। आप तो आजकल बहुत बिजी चल रही होंगी, घर में शादी की तैयारियां जो चल रही हैं। भाई मुझे इन सब चीजों से क्या, मेरी तरफ से तो सारे भाड़ में जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी नंद आपकी भाभी बनने वाली है, आपको तो दो दो रिश्ते निभाने। मेरी बात सुनो, ना ही तो वो मेरी नंद अच्छी थी और ना भाभी बन के ना उसने कोई गुल खिलाने हैं। ठीक है ना, मेरी तरफ से तो जहन्नुम में जाए। आपको पता है हमारी आपी, इंसान की सबसे बड़ी खासियत सब्र और बर्दाश्त होता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि सबके दिल में जो आपके लिए बदगुमानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और जब सबको अच्छी तरह इस बात पे यकीन हो जाए तो फिर जो आपकी मर्जी आप करें। मेरी बात सुनो, मुझसे मुनाफ़कत नहीं होती है। मुझे लगता है कि इंसान को दुश्मनी निभाने के भी ढंग आने चाहिए। क्या मतलब इस बात का? मुनाफ़कत के इस दौर में आपके सामने बैठा दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक साबित नहीं होता जितना आपके पीछे बैठे वार करने वाला। ये तो है। तो फिर सिंपल सी बात है मारिया आपी, आपको दुश्मनी निभाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप दोस्ती करें। और वैसे भी दुश्मनी करके आपने करना क्या है? इन द एंड रहना तो उसी घर में है ना आपने, तो बस अपने मकसद को हासिल करें। लेकिन मैं क्या करूं, जरा अच्छी नहीं लगती मुझे। बुराई का बदला बुराई से खत्म नहीं किया जाता। कहना क्या चाह रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं ना? तो फिर जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप वैसा करेंगी। आप घर के सारे कामों में हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, ताकि सबको ये लगे, बल्कि स्पेशली जहाँ आरा आंटी को ये लगे कि अब उनकी बहू बहू नहीं रही, बेटी बन गई। और अब वो इस घर की बेटी को बहन बन के रुखसत कर रही है, समझी? कुछ नहीं होने वाला यहाँ, तुम नहीं जानती इन लोगों को। अरे अब मैं कैसे समझाऊं आपको, जब मैं आपसे कह रही हूँ आप ट्रस्ट करती हैं ना मुझ पे, तो बस जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप वैसा करती जाए। आप देखिएगा आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर तुम इतना इंसिस्ट करती हो तो मैं ये भी करके देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। तुम्हें बात कहने और मनवाने का ढंग खूब आता है। हाँ सो तो है। अल्लाह हाफिज़। उम्मी आप मुझे वो नाम बता दें जिन लोगों को आपने बुलाना शादी पे, मैं लिस्ट बना लूं गेस्ट की। बस करीबी और खास लोग ही होंगे, चंद रिश्तेदार, कोई बहुत बड़ा फंक्शन तो करना नहीं हमने। आंटी वैसे जो काम आप मुनासिब समझे आप मुझे भी बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। ज़हन नसीब आपको भी ख्याल आ गया हमारा, वरना अभी तक तो मैं और अम्मी ही काम कर रहे हैं।
नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, मेरा फर्ज है आप लोगों को असिस्ट करना। और वैसे भी निधा से मेरा एक इतना करीबी नया रिश्ता बनने जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते का आगाज खुशी खुशी हो और वो भी सब कुछ भुला दे जैसे मैंने भुला दिया। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हम सब मिलके खुश खुश रहें। शुक्र है भाई तुम्हारे दिल में एहसास पैदा हुआ, वरना मैं तो परेशान हो रही थी कि तुम्हें मनाऊंगी कैसे। नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं थी ना, देखिए मैं खुद आ गई। मतलब अब मेरी जरूरत तो नहीं है? फिर क्यों नहीं जरूरत भाई, तुम्हारी तो हर वक्त और हर जगह जरूरत है। बैठ कर लिस्ट बनाओ। और मारिया बेटा तुम मेरे साथ जरा आओ, कपड़ों की पैकिंग करवाने में हेल्प करवा दो। जी आ जाओ। और अम्मी लिस्ट? अरे बना लो ना, तुम्हें भी तो पता है सब कुछ। थैंक यू सो मच मारिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। बस आ रही हूँ, तुम देख लो। आ रही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे माशाल्लाह, अल्लाह नजरे पत से बचाए, नी प्यारी लग रही हो आज तो, सबकी नजरे तुम पर हैं। वो कहाँ है? कहीं भी हो हमें क्या, अब तो उसे कुछ पूछता भी नहीं है इस घर में। होना भी यही चाहिए, बहुत राज कर लिया उसने, अब मेरी बेटी की बारी है। फिक्र क्यों करती हो माँ, आगे आके देखो उसका क्या हाल करती है। फरवा मेरी जान, इतनी प्यारी लग रही हो, पहचान ही नहीं जा रही पता है। थैंक यू सो मच, ये तो आपकी हुस्न नजर है जो इतनी तारीफ करी है मेरी। वैसे आप भी कयामत ढा रही हैं आज। आपकी सास तो आज काफी खुश होंगी आपसे, ये सब कुछ तुम्हारा कमाल है। आंटी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको पता है आपकी बेटी इतनी समझदार है, ऐसे ऐसे गुण बताती है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत अकलमंद है भाई, मैं इसकी बात ही तो मान के चलती हूँ। वैसे मारिया आप ही मेरे मशवरे से कभी आपको नुकसान तो नहीं हुआ ना? कभी भी नहीं, बल्कि हमेशा फायदा हुआ है। आपको पता है मैंने इसकी बात मानी थी और मेरी सास ने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच। मुबारक हो। थैंक यू, नजर आते हैं। देख रही हो अम्मा जान कैसे जगह बनाई है तुम्हारी परवा ने इस घर में। हाँ बहुत दिल खुशी। चल तुम बैठो मैं आती हूँ। सारा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे मैं स्टेज पर हूँ, उसके तुम्हारी जगह यहाँ नहीं वहाँ। सौ की बड़ी भाभी हो, हर समय सबसे आगे होना चाहिए तुम। चलो साथ चलो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर मैंने आज तुम्हें बताया नहीं, अभी बता रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच।
परेशान लग रही हैं, खैरियत है? हाँ खैरियत है, बस सादिक का फोन नहीं उठा रही। मेरे ख्याल में वो अभी नाराज है मुझसे, पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। एक ही तो बहन है मेरी, अगर वो इस खुशी के मौके पे ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा एक मिनट ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खाला जान हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं आपका, क्यों नहीं आई आप? अम्मा जान भी वेट कर रही हैं, आप जानती हैं ना जब तक आप नहीं आएंगी रस्में शुरू नहीं होंगी। मेरा आना कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसने कह दिया आपसे कि ज़रूरी नहीं है? आपका आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अम्मा जान कब से मुंतज़र हैं आपकी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना आपसे प्लीज़ आ जाएँ। कैसे पहुँचूँ? आपने तो मुझे मेरी बेटी और दामाद के सामने शर्मिंदा कर दिया है। नहीं नहीं खाला जान, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, दरअसल कहानी कुछ और है। मैं सही वक्त आने पर आपको सारी हकीकत बता दूंगी। मैं वादा कर रही हूँ आपसे, इस सारी बातों में अम्मा जान का कोई कसूर नहीं है, आप प्लीज़ उनसे नाराज मत हो, प्लीज़ आ जाएं। ऐसी क्या बात है जो आपने मुझसे छुपाई? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपको बता दूंगी, बस अभी आप जल्दी से आने की करें। मैं वादा कर रही हूँ आपसे आपको पूरी कहानी बताऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। थैंक यू खाला जान, अल्लाह हाफिज़। खुश हो जाएं, मेरी बात हो गई है उनसे, वो आ रही हैं। सच? जीती रहो, खुश रहो, लंबी उम्र देती तो हमेशा मेरी मुश्किलें दूर कर देती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो इतना कुछ करती हैं मेरे लिए। अब चलें सारे मेहमानों से मिलें, बुरा मना रहे हैं सब लोग। थैंक यू। अम्मी जान ये ले। मुझे नहीं पहनना। अरे बेटा तुम मुझे पहनाओ, मुझे पहना दो, कोई बात नहीं। ठीक की बात है, जीती जीती रहो, खुश रहो, माशाल्लाह। भाई आपा, आपकी दूसरी बहू भी ऐसी बाखलाक होगी।
आते यहाँ पे आ रहे हैं। आपकी बेटी की शादी है ना, अब्दुल्ले की माँ है, तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? मुझे एक बात बताइए, फरवा की तबीयत क्या खराब हुई है? सारा को तो मौका मिल गया सब कुछ संभालने का, आपको वहाँ होना चाहिए स्टेज पे। चलिए प्लीज। दुआओं के बाद ये खुशी मिली थी, अब पता नहीं क्या होगा। पापा सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। पता नहीं किसकी बुरी नजर मेरी बच्ची की खुशियों को लग गई। सब्र करें, सब्र करें। ये मौका इन बातों का नहीं है, आप सिर्फ दुआ कीजिए। हेलो, हाँ फुआ। हाँ मजान, अल्लाह का शुक्र है फरवा और बच्चा दोनों ठीक हैं। पाँव में हल्की सी मोच आई है, कुछ दिन आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस मैं फरवा को लेके थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, घर पे मुलाकात हो। फरवा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पाँव में मोच है। मैंने कहा ना परेशान हो, अल्लाह हमें सब अच्छा कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, सब ठीक हो जाएगा। इस तकलीफ को हौसले से बर्दाश्त करो। मैं ना बहुत थक गई होंगी, आप जाके आराम कर लें, मैं हूं ना फरवा के पास। थैंक यू। हाँ सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, मेहमानों से भी ठीक तरह नहीं मिल सकी मैं आज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये खैरियत से है। चलो अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, शब बख़ैर। जी सत्यानाश हो इस खाला का, इसकी वजह से मैं गिर गई, मोच आ गई पाँव में। पूरी शादी का इंतजाम मैंने किया था अम्मा, अब देखो मैं ही शादी में नहीं होंगी। अरे कोई बात नहीं, तुमने जितना काम किया है सबकी नजरों में आ गई। अरे अम्मा यही तो मौका था खानदान में अपनी अहमियत जताने का, कि सब कुछ मैं कर रही थी और एंड टाइम पे मुझे ही लगनी थी, मेरा ही पाँव टूट गया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो शुक्र करो तुम्हें या बच्चे को कुछ नहीं हो गया, अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो जाता तो। हाँ अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो सही कह रही हो, लेकिन अम्मा मैं तो नहीं जा पाऊंगी ना शादी में। मेरी तो दर्द हो रहा है अम्मा। किसी को परवाह नहीं है मेरी इस घर में। फवाद भी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते, कोई मुझे पसंद नहीं करता। आप ये खाना लाइए।
याद आ गई तुम्हें कि मुझे खाना खाना था? कहाँ मर गई थी? पता नहीं है, भूख लग रही होगी मुझे। नहीं नहीं भाभी, वो मसरूफियत इतनी ज्यादा थी। तफसील नहीं पूछी मैंने। सारा कहाँ है? जी वही तो सारे इंतजाम देख रही है ना बारात के। तुम बारात में नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी तुम। नहीं नहीं भाभी, सारा भाभी ने मुझे साथ चलने को कहा है, वो इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी है। लपो जाओ। भाभी गुस्सा नहीं हो, पानी पीने आप। मर जाओ कहीं जाकर, चली जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ वरना पानी फेंक दूंगी तुम पर। जाओ मैं कह रही हूँ। किसी को परवाह नहीं है मेरी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। पीने पानी जाकर। क्या हो गया भाई, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। बेटा इतना गुस्सा तुम्हारे बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। जो होना था हो गया, मत अपने आप को कोसो। दिमाग फट रहा है मेरा, सर में दर्द हो रहा है बहुत। कोई पसंद नहीं करता मुझे, मुझे कोई पसंद नहीं। अरे तुम क्यों उठ गई, सोई रहती ना। बारात चली गई? हाँ चली गई, और बड़ी शान से गई है। बैंड बाजा, आतिशबाजी, बग्घी, भाई खूब रौनक लगा रखी थी। सारा की भी बारात बहुत शानदार तरीके से गई, हिना की भी। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होना था। बग्घी में कौन कौन बैठा था? सारा, फवाद, नफीसा और सोल। तुम ठीक नहीं थी वरना फवाद के साथ तुम्ही ने बैठना था। मगर आज तो हर तरफ सारा ही सारा हो रहा था, और सारा फवाद के साथ खुश भी बहुत थी। वालेकुम अस्सलाम। ये
इतनी ज्यादा लेडीज कौन है आप लोग? हम सब हिना की फ्रेंड्स हैं। ओह, हिना की फ्रेंड्स हैं। हिना ने तो नहीं मुझे बताया आपके बारे में। क्यों भाई हिना? आपकी फ्रेंड्स हैं ये? अभी तो गुलाब में हमारी और भी फ्रेंड्स आ रही हैं। तो फिर आप लोग एक काम करें, पहले अपनी पूरी एक टोली इकट्ठी कर लें, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। Oh my God, हिना, दिला भाई तो बहुत जॉली है। आपको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तुझे आप बोलेंगे तब क्या होगा? सर मैडम, ये होगा कि आपकी देख लीजिए एक बार, और क्या होगा? अब बताएं क्या मकसद है आप लोगों के आने का? हमने पाउंस चाहिए। यस, पाउंस। पाउंस चाहिए जी? इसलिए? इसलिए? क्योंकि हम हिना की दोस्त हैं और आप यानी आपकी सानिया, हमें मेक चाहिए। क्या चाहिए? मेक क्या होता है? मिस्टर, इतने स्मार्ट क्या बने? आपको सब पता है। देखिए, स्मार्ट मैं हूँ। उसके बारे में आपको हिना बताएगी। और दूसरी बात ये कि पाउंड्स तो मैं नहीं लाया। नो! फिर हम भी कंगले दूल्हा भाई के साथ हिना को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, निकाह हो चुका है। और रही बात पाउंड्स की, तो अगर आप लोग पाकिस्तानी करेंसी पे आ जाएं तो शायद कुछ हो सकता है। चले चले, ठीक है, ओके। साहब भाभी, ये आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज डील विद दिस। क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? ये आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज डील विद दिस। ये मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं, ये आपका ही डिपार्टमेंट है। फॉरन पैसे दो सकते पूरे 1,00,000 रुपए दिए हैं। अच्छी से शॉपिंग करना। अम्मी मेरी बात सुने, आपकी बेटी की शादी है ना, अब्दुल्ले की माँ है, तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? मुझे एक बात बताइए, फरवा की तबीयत क्या खराब हुई है? सारा को तो मौका मिल गया सब कुछ संभालने का, आपको वहाँ होना चाहिए स्टेज पे। चले प्लीज चले। अरे मारिया भी आए। तुम अगर अपनी औकात में रहोगी ना तो बेहतर होगा। अभी इसकी मां बहन जिंदा है। हाँ, हम कर लेंगे सब कुछ। जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ।
तुम्हारा पाँव कैसे अब? ठीक है अब। साजिदा खाला कहाँ? वो चली गई। सलमान का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, भेज दो। कुछ नहीं चाहिए। आराम करो।